नमस्कार, द एचडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। कोरोना का प्रकोप पूरे देश और दुनिया में जिस तरह से छाया है उसको लेकर के आप सब लोग इस पे पूरी तरह से इसका ख्याल रख रहे हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। कोरोना के साथ साथ इस वक्त अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में राजनीतिक जो वायरस है वो भी उसकी भी ध्रुवीकरण बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है, चाहे वो कोटा मामला हो या फिर मजदूरों के टिकट को लेकर उठ रहे सवाल हो। विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल पूछना, सवाल जवाब करना। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर देखा जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हावी हो गई है। नीतीश कुमार चौतरफे तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष की तमाम पार्टियां कह रही हैं। तमाम मुद्दे और तमाम बातों को हमेशा से रखने वाले इस वक्त हमारे साथ इस खास मुलाकात के जरिए हमारे साथ पटना निर्वाचन के नेता और पटना निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं आजाद गांधी जी। बहुत स्वागत है आजाद गांधी जी हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी। आज जिस तरह से आप ऐसे तो शुरू से ही हमेशा जो है निर्वाचन लोगों को लेकर के निर्वाचन के नेता हैं, आप स्नातक निर्वाचन के नेता हैं, हमेशा से मुद्दा उठाते रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, नेता हैं तो मुद्दा उठाते ही हैं। आज आप किन मुद्दों को लेकर के प्रेस के सामने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ मामला है जिसके बाद आपको ये कदम उठाने पड़े हैं और आपने प्रेस रिलीज आज जारी करवाई है? देखिए, इस देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और ख़ास करके बिहार में है कि जो स्नातक बेरोजगार युवक है बिहार का, उसकी हालात काफ़ी ख़राब, बस से बदतर होते जा रहा है। जानते हैं कि यहाँ कोई रोज़गार नहीं मिला बिहार में, लोग बाहर गए, आने जाने का सिलसिला भी जारी है। अब स्नातक जो है बेरोजगार स्नातक भूख के कगार पर है, उसकी स्थिति जर्जर होते जा रही है। अब देखिए, सरकार कुछ न कुछ कहीं कुछ जगहों पर अनाज बांट रहा है, कुछ स्वयंसेवी संगठन जो है खाना दे रही है, भोजन दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक स्वाभिमानी स्नातक लाइन में लग करके भोजन और अनाज नहीं ले सकता है और हालात बस से बदतर होते जा रही है। तो हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करना चाहते हैं, एक पहल की आवश्यकता है कि उन तमाम स्नातक बेरोजगारों को जिसकी हालात ख़राब है उनको कम से कम उनके खाते में 10,000 रुपया का स्थानांतरण करें ताकि वह जीविकोपार्जन कर सके और उसकी हालात में परिवर्तन आ सके। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को त्वरित कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो इस राज्य के लोग और इस देश के लोग यह समझ रहे हैं कि स्नातक कुछ बोल नहीं रहा, अपनी मांगों को नहीं रख रहा, तो हम सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि स्नातक बेजुबान नहीं है। अगर इसकी जबान जब खुलने लगेगी तो हिंदुस्तान में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम सरकार को चेता रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड बढ़ने वाला है, जानकारी मिली है, बढ़ते जा रहा है, संसाधन स्नातक बेरोजगारों के पास है नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार यथाशीघ्र उनके खाते में 10,000 रुपया दे। अच्छा, ये भी आजाद जी, स्नातक जो लोग हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात आपने कही कि स्वाभिमान की बात है, वो लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि साफ तौर पर ये कहना है कि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो इन पूरे मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके बाद आपको ये तमाम मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाना पड़ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने सीएम आवास के बाहर उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि बाहर की स्थिति क्या है, लोग कैसे भूख मर रहे हैं, किस तरह से जीवन जी रहा है स्नातक साथी, हमारे जो मजदूर लोग यहाँ आए हुए हैं उसकी हालात क्या है, हमारे गुजरात में जो लोग बिहार के मजदूर हैं उसकी हालात क्या है। एक रूम में 15-20 आदमी कहार रहा है, सरकार के पास विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपनी बात को कह रहा है, लेकिन पता नहीं सरकार गूंगी भी है और हमको लगता सरकार बहरी भी है। इसलिए सरकार को
जो इस पर विशेष अगर पहल नहीं करेगा, सरकार तो हर मोर्चे पर विफल है। पूरे बिहार की आवाज़, तमाम आम जनों की आवाज़ जो सुनने को मिल रहा है, तो सरकार हर मोर्चे पर इस महामारी को रोकने में विफल रही। इस सरकार के पास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं, कोई ऐसा ICU नहीं, कुछ नहीं, जहाँ किट जो रहना चाहिए जांच करने का, ये साधन विहीन है, ये व्यवस्था नहीं कर पाई। तो हम चाहते हैं कि अभी भी संभलने का समय सरकार को है, और अभी भी इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को हायर पहल करने की आवश्यकता। अच्छा, आज आपके नेता तेजस्वी यादव ने कल भी और आज भी जो है वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आए, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि जो नीचे तबके के नेता हैं, यानी कि जो लोग क्षेत्र में रहते हैं, जो लोग नीचे लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, नीतीश कुमार उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो अपने मर्जी से और कुछ अधिकारियों की ही बात सुनते हैं, ये मामला थोड़ा सा आप समझाइए, चूँकि आप उस पार्टी के नेता हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी 10-20 आदमी के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, उनको कौन कार्यकर्ता बिहार में है, कौन समाज सेवी है, कौन लोग कार्य कर रहे हैं बिहार स्तर पर, दुख की बात है कि उनको जानकारी नहीं है। हम तेजस्वी यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि वह जमीनी नेता है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने हमेशा गरीबों के प्रति चिंतित रहते थे, बेजुबानों के प्रति चिंतित रहते हैं, उसी का असर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी में है। तेजस्वी यादव जी की अच्छी पहल है कि सरकार को, सरकार के पदाधिकारी को, BDO को, कलेक्टर को, इन कार्यकर्ताओं से राय लेनी चाहिए। कार्यकर्ता तो इस राज्य का एसेट्स होता है, चाहे कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, वो दिन रात अपने आम जनों के बीच, ग्रामीण जनता के बीच उसके लिए संघर्ष करता है। अगर उनकी बातों पर लोग अगर नहीं पहल करते हैं, तो हमको लगता है कि सरकार की ये बेनामी, जिसको कहा जाए बेकामी है, सरकार हर मोर्चे पर सोच नहीं रही है कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ता पर अगर विचार नहीं करेगा उनकी बातों को, तो ये सरकार आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब देखिएगा ना, चुनाव आने वाला है, इसके बाद भगवान के कृपा से बहुत जल्दी महामारी से मुक्ति मिलेगा देश के लोगों को, चुनाव की भी चर्चाएं होगी आने वाला लॉकडाउन के बाद। तो जब जिस तरह से इस राज्य की व्यवस्था चौपट हो गई है और एक महामारी को कंट्रोल नहीं कर सके नीतीश कुमार जी, बढ़ते जा रहा रोग, बढ़ते जा रहा, आने वाला चुनाव में हमको लगता है कि इनका भविष्य ठीक नहीं रहेगा, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लोगों ने मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव वाकई में जमीन का नेता है और कार्यकर्ता का नेता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आज़ाद गांधी जी, जिस तरह से हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और आप भी इसके बारे में जानते हैं और मुद्दा भी बहुत ज़्यादा उठ रहा है, जो भी प्रवासी लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे जब सवाल किया गया कि उनके अकाउंट में बिहार सरकार के द्वारा किसी राशि का स्थानांतरण किया गया था, तो उनका जवाब ना में था और वो खुद अपने टिकट को कटा करके आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब इस पूरे मामला आया मीडिया में, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि ये हमने चीज़ जानबूझ के किया, हम विश्वास रखते हैं काम को करने में, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? ये बात शुरू से कह रहे हैं कि हमको काम पर विश्वास है। कैसा काम किए बिहार में जो पूरी दुनिया और बिहार कम से कम मरमाहित हो गया है। दुख इस बात का लगता है कि बिहार की अस्मिता की रक्षा आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं कर सके। दो दो रोटी के लिए बिहार के प्रवासी मजदूर बाहर में तरस रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिल रहा है, और किसी तरह से जब ट्रेन में जो स्टेशन पर जब लोग आए, जब पैसा नहीं था, वो लोगों को ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया, तमाम लोगों को जहाँ का फीस था 900 रुपया 700 रुपया, उन लोगों को दे करके आना पड़ा। उनका बयान है नीतीश कुमार जी का कि हम जब वो प्रवासी मजदूर आएंगे तब हम उनको 500 रुपया का टिकट, अब 500 रुपया का आकस्मिक अतिरिक्त खर्चा देंगे। अब ये बताइए कि जो बाहर में लोग हैं हमारे बिहारी मजदूर, गरीब गुरबा, जो 2 महीना से झेल रहा है, बिहार का प्रतिष्ठा जा रहा है, नीतीश जी को नहीं समझ में आ रहा इस बात को कि प्रतिष्ठा क्या चीज़ है। रोड पर, चौराहे पर, धरना पर बैठा हुआ लगता है कि चील की तरह छिपट जाएगा भोजन के लिए। वैसे लोगों से अगर टिकट
मांगा जा रहा पैसा, तो इस राज्य के लिए, इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आपको पता है 2008 में बहुत बड़ा फ्लड आया था इस बिहार में, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री उस वक्त थे, तो पूरा रेल का किराया माफ था, किसी भी लोगों को, ग्रसित लोगों को किराया नहीं दिया, लोग फ्री आवागमन किए रेल से। आज देखिए स्थिति यह बना हुआ है कि नीतीश जी का बात मानने वाला भारत सरकार में कोई नहीं है। आज जमालपुर का रेल कारखाना जो आज़ादी के पहले से कायम था, आज वह रेल कारखाना क्यों लखनऊ जा रहा है? इस पर आंदोलन की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी जाग जाइए अभी भी, अगर नहीं जागिएगा तो और भी कल कारखाना तो छोटा बंद ही हो गया है, और भी जो भारत सरकार का जो इकाई है वो भी लोग उठा कर लेकर चल जाएगा। तो साफ तौर पर ये इस वक्त हमारे साथ राजद के नेता और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी आजाद गांधी जी थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात को बेबाकी अंदाज में रखा और साफ तौर पर वो स्नातक जो भी बेरोजगार युवक हैं उनका मुद्दा को लेकर के आज उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और साफ तौर कहा है कि इस पर भी नीतीश सरकार ध्यान दे, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आगे पूरे क्षेत्र में उग्र आंदोलन भी की जाएगी। उन्होंने साफ मांग की है कि जो भी स्नातक बेरोजगार युवक हैं उनको 10,000 रुपया जो है वो भत्ता के तौर पर दिया जाए। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG News, पटना।